अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। हम मल्लून नरसिंह आनंद के खिलाफ एक जो है एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अब तक बहुत बार कर चुका है और हम कई बार इसके लिए इसके खिलाफ जो है सो शिकायत दर्ज कराए हैं। हुकूमत इनसे भी गुजारिश करे और हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश करे, एक कानून ऐसा पास करो जो पार्लियामेंट में, जो किसी भी, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है या हर मजहब के मानने वाले हैं, हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं कि एक ऐसा कानून निकालो कि किसी भी मजहब के खिलाफ कोई गैर गलत बोले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम हुकूमत हिंद और तेलंगाना से गुजारिश करते हैं, बार बार कर रहे हैं, कई बार इन्हें ऐसी गुस्ताखियां करा तो हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। अब अदबन हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि हुकूमतों के ऊपर दबाव डाल के इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ना रखा गैर से काम, लिल्लाह इल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी जान आबरू, हमारा तन मन धन सब हमारे नबी पे कुर्बान है। हर जगह जो है इसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये रैली निकालने का मकसद ये है कि अब हम मुकदमा तो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी मांग ये है कि इसको सिर्फ फांसी की सज़ा दी जाए। इसकी सज़ा ये होगी कि इसको फांसी दिया जाए और पुरअमन सुकून के साथ जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से और हल्के कारवान के जिम्मेदार जनाब हाफिज़ फारूक की जानिब से जो है हम अमन वाली रैली निकाल के कुलसुमपुरा PS में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। और हुकूमत तेलंगाना और हिंदुस्तान की हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए। यहाँ कारवान जियागोड़ा की जानिब से ख़ास तौर पर कारवान के सरगरम कारकुन मजलिस तहद मुस्लिमीन के जनाब फारूक साहब और अब्दुल मन्नान साहब के ज़रिए हम कुलसुमपुरा PS में कंप्लेंट के लिए दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। जो गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ हम पुरअमन तरीके से हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, सब्र का पैमाना पार हो चुका है, हद से ज़्यादा ये शख्स जो है हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबिया गुस्ताखिया कर रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं कानून के दायरे में रहकर कि इसका जल्द से जल्द इसको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। बस हम इसीलिए कुलसुमपुरा PS जा रहे हैं हजरत फारूक साहब की निगरानी के साथ इंशाल्लाह। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X Road, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।